18वीं लोकसभा चुनाव। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024। और 18वीं लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, और ये बात हमारे राजस्थान के संदर्भ में कर रहे हैं, ठीक है, राजस्थान में। तो सबसे पहली बात यह है कि राजस्थान के अंदर लोकसभा की कुल सीटें कितनी है, पहला इक्वेशन, ठीक है। पहला इक्वेशन आपके सामने यह है कि राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है, तो आप कहेंगे 25। कितनी है? 25। 25 में से जो अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव, याद रखिएगा, इनमें से 14 सीटें जो है वो तो आई है आपके भाजपा की, और बाकी जो 11 सीटें हैं वो है आपके इंडिया गठबंधन की। कितनी? 11 सीटें हैं जो किसकी है? इंडिया गठबंधन की। यानी कि इसमें आप बात करेंगे 11 में से, तो देखिए 8 सीटें तो आई है प्रोपरी कांग्रेस की, एक सीट है आपके आरएलपी की, एक सीट है वो है आपके बाप पार्टी की, और एक सीट जो है वो है माकपा की। ये टोटल 11 सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन की, और 14 सीटें हैं वो किसकी है? भाजपा की। क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर लोकसभा की टोटल सीटें ही कितनी हैं, तो याद रखिएगा 25। यहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो लोकसभा की सीटें हैं 25, इनमें से आरक्षित सीटें जिसमें एसटी और एससी, इनकी सीटें कितनी है बता सकते हैं? ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, यानी कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की कितनी कितनी सीटें, ये बताइए आप कमेंट करके। अब देखिए इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है? इसके अलावा ये बन सकता है कि 18वीं जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं राजस्थान में 25 सीटों पर, इन 25 सीटों में से कितनी महिला सांसद बनी? क्योंकि आजकल एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा 3 महिला सांसद, ठीक है। कितनी? 3। अच्छा 3 महिला सांसद कौन कौन? याद रखिएगा संजना जाटव, याद रखिएगा भरतपुर सीट से, और पार्टी कांग्रेस, एक आपके मंजू शर्मा, जयपुर शहर भाजपा, और एक याद रखिएगा महिमा कुमारी राजसमंद भाजपा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आगामी जितने भी एग्जाम होंगे उनके अंदर इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कि अभी हाल ही में यानी कि जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इस चुनाव के तहत नव निर्वाचित महिला सांसद कितनी है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, एग्जामिनर इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो 3 महिलाओं के नाम आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी ये जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं यानी कि राजस्थान की इन 25 सीटों पर, इन 25 सीटों पर अभी हाल ही में कितने ऐसे विधायक थे जो अब आगे चलकर सांसद बने? ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितने विधायक जो सांसद बने अभी। देखिए ये जो लोकसभा सीट के चुनाव हुए हैं इसमें याद रखिएगा अभी हाल ही में 5 विधायक जो सांसद बने, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पूछा यह जा सकता है कि अभी जो चुनाव हुए इसके अंदर सबसे बड़ी जीत किसकी थी, तो याद रखिएगा
महिमा कुमारी की। सबसे कम अंतर से जीत, सबसे छोटी जीत, याद रखिएगा राव राजेंद्र सिंह, राव राजेंद्र सिंह। एक ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अब एक क्वेश्चन कि इन चुनावों के अंदर नोटा सर्वाधिक और न्यूनतम, यानी कि अभी ये जो राजस्थान में लोकसभा से संबंधित चुनाव हुए हैं उसके अंदर सर्वाधिक नोटा का प्रयोग कहां पर हुआ और सबसे कम नोटा का प्रयोग कहां पर हुआ। देखिए सर्वाधिक नोटा का जो प्रयोग है वो हुआ था उदयपुर में और न्यूनतम जहां हुआ था वो है आपके भरतपुर में, ठीक है। तो लगभग सारी कहानी आपके सामने है। एक क्वेश्चन जो कि आपको बताना है कि इस लोकसभा सीट के अंदर ये जो चुनाव हुए हैं इसमें सबसे कम उम्र के सांसद कौन चुने गए, सबसे कम उम्र में सांसद लीजिए। तो लगभग सारी कहानी आपके सामने है। और दूसरी बात आप कहेंगे कि सर राजस्थान में ये जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं ये कितने चरणों में हुए थे, तो याद रखिएगा राजस्थान के अंदर हुए थे दो चरणों में, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लिया। बाकी कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपके सामने यहीं से है, लेकिन ज्यादातर यदि क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं तो याद रखिएगा वो यहां से है, ठीक है। चलिए तो ये पूरी कहानी आपके 18वीं लोकसभा चुनाव 2024, ठीक है। राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें थी, 25, 25 सीटों पर कितनी भाजपा की आई, कितनी कांग्रेस की आई, अन्य की ओर कितनी आई, उसके अलावा ऐसे कितने विधायक थे अभी वर्तमान के अंदर जो अब सांसद बन गए हैं, मतलब यहां सभी जगह अब क्या होंगे राजस्थान में उपचुनाव होंगे, ठीक है। और उसके अलावा आरक्षित सीटें, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सबके लिए कि इन 25 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एसटी के लिए है और कितनी सीटें एससी के लिए है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा इसका आंसर। फिर इसके अलावा महिला सांसद कितनी, तो 3 याद रखिएगा, ठीक है, संजना जाटव, मंजू शर्मा और महिमा कुमारी, सबसे बड़ी जीत, सबसे छोटी जीत। अच्छा नोटा का सर्वाधिक प्रयोग कहां पर हुआ, यानी कि सर्वाधिक नोटा को वोट कहां मिले और सबसे कम कहां मिले वो, और उसके अलावा सबसे कम उम्र में सांसद, और ये सारी बातें, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या था, तो ये सारी चर्चा हो गई है आपके लिए, ठीक है। यहां क्वेश्चन था कि 18वीं लोकसभा में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग किया गया था, तो याद रखिएगा उदयपुर में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग कहां, उदयपुर में। न्यूनतम पूछे तो याद रखिएगा भरतपुर, ठीक है, न्यूनतम पूछे तो कौन सा हो जाएगा भरतपुर, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने, पूर्णते स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण कहां किया गया, यह बड़ा अच्छा बड़ा शानदार सा क्वेश्चन। पूर्णते स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म, इसका ये जो सफल परीक्षण है ये कहां किया गया और कब किया गया। देखिए ऑप्शन है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, चांदन फील्ड फायरिंग रेंज या फिर खेतालाई फील्ड फायरिंग रेंज, बताइए। याद रखिएगा कब किया गया, तो यह किया गया था 28 अप्रैल 2024। अच्छा कहां किया गया था, तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। अच्छा कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है ये आपके कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा बीकानेर के अंदर। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अच्छा किसके द्वारा, तो याद रखिएगा भारतीय सेना द्वारा, ठीक है, भारतीय सेना द्वारा, तो ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है अगला क्वेश्चन क्या, अगला है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट
आगामी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये। अब देखिए, सबसे पहले तो अरावली का विस्तार आप पढ़ते ही हैं अक्सर, कि अरावली का जो विस्तार है वो कहां से लेकर कहां तक है। तो आप कहेंगे सर अरावली का जो विस्तार है वो है आपके पालनपुर। पालनपुर स्थान कहां है? गुजरात। पालनपुर से याद रखिएगा नई दिल्ली, पालनपुर से नई दिल्ली तक अरावली का क्या है? विस्तार। तो ये जो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है ये किन किन के मध्य है? तो याद रखिएगा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और याद रखिएगा नई दिल्ली। और हमने यही पढ़ा था अभी कि अरावली का जो विस्तार है वो आपके पालनपुर गुजरात से लेकर नई दिल्ली है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये याद रखिएगा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और नई दिल्ली के मध्य है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हरित पट्टी का विकास करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो अरावली क्षेत्र है आपके गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और नई दिल्ली, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने हैं, और जो खनन का क्षेत्र हो रहा है ना, जो अवैध खनन हो रहा है उस पर रोक लगानी है, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन आपके सामने यह है कि इसके अंदर राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा। राजस्थान से जो शामिल जिले हैं वह है, याद रखिएगा 18। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वृक्ष लगाकर हरित पट्टी का विकास, वे अवैध खनन पर रोक। ये महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और इसकी जो शुरुआत है वो वैसे बहुत पहले हुई थी, 25 मार्च 2023। ठीक है, तो राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? याद रखिएगा 18। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके सामने सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलिए अगला देखिए। अगला है, अगले 6 माह में राजस्थान की कितनी राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होगा? ये लीजिए, राजस्थान में राज्यसभा सीट। अब देखिए राजस्थान में उपचुनाव का दौर ही चलेगा, क्योंकि अभी जो लोकसभा सीट पर चुनाव हुए हैं उसमें आपको पता ही है 5 जो विधायक थे वर्तमान में, अब वो आगे चलकर क्या बन गए? सांसद। तो वो, और यहां पर है कि राजस्थान में राज्यसभा सीट है। देखिए राजस्थान के अंदर राज्यसभा सीटें ही कितनी हैं? सबसे पहली बात तो आप कहेंगे सर 10। देखिए लोकसभा की है 25, राज्यसभा की है 10 और विधानसभा की है 200। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर यह है कि राजस्थान में जो राज्यसभा सीट है उस पर अगले 6 माह में कितनी सीटों पर उपचुनाव होगा? तो याद रखिएगा 1 सीट पर। एक सीट पर क्या होगा? उपचुनाव होगा, याद रखिएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो केसी वेणुगोपाल राव है अब वो क्या है? अब वो कांग्रेस की सीट से सांसद बन चुके हैं। अच्छा, कहां से बने थे? तो केरल से, याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए केसी वेणुगोपाल ये सांसद बन गए ना, इसलिए अब इस एक सीट पर क्या होगा? उपचुनाव, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्या कह रहा है? अगला है इलेक्ट्रिकल व्हीकल हेतु इमरजेंसी चार्जिंग अडेप्टर विकसित किया गया है किसके द्वारा? लीजिए, आपको पता ही है कि अब धीरे 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 इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गए हैं, तो इसके लिए इमरजेंसी चार्जर, ये लो इमरजेंसी जो चार्जिंग है अडेप्टर, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा ये विकसित किया गया है आपके आईआईटी जोधपुर। किसके द्वारा विकसित किया गया है? याद रखिएगा आईआईटी जोधपुर। ठीक है, और किसके द्वारा? व्यक्ति का नाम तो डॉक्टर निशांत कुमार। किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर निशांत कुमार द्वारा। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए, तो लीजिए ये था आज का हमारा सेशन,
जहां पर हमने इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, हाँ ठीक है,